डायरेक्ट कुवैत से प्रोसेस होगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है, किसी को एक रुपया भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जिसको जाना है, जिसको जिसको ट्राई करना है, वो जा सकता है, कर सकता है। ये वाले वीज़े में ऐसा चीज़ होता है कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक को रिलीज नहीं मिलता है, वापस इंडिया जाना पड़ता है नया वीज़ा लेके आके। इसमें तुम्हारा एक रुपया भी इन्वेस्ट नहीं होगा। मेडिकल वो करके दे रहा है, PCC वो करके दे रहा है इंडिया का, वीज़ा स्टैंपिंग वो करके दे रहा है इंडिया का, इमिग्रेशन अगर रिक्वायर्ड है वो भी वो करके दे रहा है, और साथ में वीज़ा भी दे रहा है 2 साल का, जो कि सैलरी में। सो व्हाट्स अप, क्या बोलती पब्लिक, घंटा आईवा बोलते, क्या क्या बोलते भाई लोग, कैसे हो? तो मैं ये बोल रहा था भाई, अभी वैकेंसी आई है फ्रेशर फीमेल्स के लिए। एज लिमिट जो है अगर 25 से 35 के बीच में जितनी भी लेडीज है, कोई कोई अनएजुकेटेड है और कोई कोई पढ़े लिखी है, तो दोनों के लिए ये जॉब है, वैकेंसी है। पढ़े लिखे मतलब एकदम भी हाई नहीं, इंग्लिश नॉर्मली आने चाहिए। तो ये वैकेंसी जो है डायरेक्ट कुवैत से प्रोसेस होगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है, किसी को एक रुपया भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी लेडीज़ है, अगर कोई भाई है अपना जिसको अपनी वाइफ को या फैमिली को किसी को बुलाना है घर काम में, बुला सकते हैं, तो ये घर काम वाले लोग के लिए वैकेंसी है। कुवैत में कोई भी ओनर होता है उसके अंडर में काम करने का है, और खाना इना बनाने का काम है, उन लोग के बच्चे अच्छे संभालने वाला भी काम रहता है। तो ये सारी चीज़ रहती है, जो भी है टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ भाई। कुवैत में नहीं, पूरे मिडल ईस्ट में 50% ऐसा है, और 50% इतने अच्छे हैं जो कि तुम लोग बाकी लोगों की वीडियोस में भी देखे रहेंगे, घर काम करने वाले कैसा रहते हैं। तो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल, जैसे कि अगर इंडिया में कुछ बन रहा ही नहीं है, कुछ ऑप्शन ही नहीं है करने के लिए, अपने को आगे मूव होने के लिए, तो जितनी भी लेडीज़ है, जो भी लेडीज़ ज़रूरतमंद है, वो लोग ये चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तुम्हारा एक रुपया भी इन्वेस्ट नहीं होगा। मेडिकल वो करके दे रहा है, PCC वो करके दे रहा है इंडिया का, वीज़ा स्टैंपिंग वो करके दे रहा है इंडिया का, इमिग्रेशन अगर रिक्वायर्ड है वो भी वो करके दे रहा है, और साथ में वीज़ा भी दे रहा है 2 साल का, जो कि सैलरी, एक सैलरी जो है, सैलरी बता देता हूँ, सैलरी इसकी है 110KD, 110KD अगर फ्रेशर है, कभी प्लेन में भी नहीं बैठे, कुछ मालूमात नहीं है, बस काम करने आता है, खाना बनाने आता है, घर का काम करने आता है, तो वो लोग के लिए 100KD सैलरी है, ऑल इंक्लूड, खाना पीना रहना सब कुछ A to Z चीज़ इंक्लूड है, और फ्लाइट टिकट वीज़ा कॉस्ट सारा चीज़ इंक्लूड है 100KD सैलरी। और अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, बेसिक इंग्लिश मालूम है या फ्लुएंट है जो भी है, अगर उनका है, उनको अगर करवाना है, तो 110KD स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। तो वही सेम खाना पीना रहना सब कुछ एक नंबर, सब 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 फ्री, समझ रहे क्या? उसके बाद जो 130KD सैलरी वाला भी है, उसमें कुवैत रिटर्न, गल्फ रिटर्न, ऐसी सारी चीज़ ऐसी जगह का है। तो ये वीज़ा को एक्चुअली बोलते हैं वीज़ा नंबर 20, और होता है खदामा का वीज़ा, लेडीज़ लोग के लिए, खदामा लोग के लिए। तो ये वाली वैकेंसी अभी अवेलेबल है, अगर किसी को भी करना है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट कुवैत आने मिल रहा है, काम करने मिल रहा है, भले कंपनी के नहीं लेकिन कोई चीज़ के अंडर में। कि जिसको जिसको जाना है, जिसको जिसको ट्राई करना है, वो जा सकता है, कर सकता है। अभी इसको अप्लाई कैसे करने का वो भी बता देता हूँ। IBO ओवरसीज की वेबसाइट है, यहाँ पे www.ibooverseas.com, यहाँ पे जाओ और कुवैत की ऑफिस में कॉन्टेक्ट करना, क्योंकि सारा प्रोसेस कुवैत से होएगा। अगर तुम्हारे पास कोई इंग्लिश पढ़ने वाला या बोलने वाला नहीं है बंदा, हायर कर लो, या घर वाले को किसी को बोलो, या किसी को बोलो बात करने मेरे लिए, कम्युनिकेट करने के लिए मेरे लिए, ऐसा ऐसा करके किसी की हेल्प लो, और कुवैत की ऑफिस से काम कराओ। कुवैत में जो IBO ओवरसीज ऑफिस है, मैन पावर ऑफिस, वहाँ से काम कराओ, फटाफट प्रोसेस होएगा और ईजीली हो जाएगा। जितनी भी पब्लिक, जितनी भी लोगों को जाने का है, तो ये वेबसाइट पर जाओ, यहाँ पर क्लिक करो, और यहाँ से तुम लोग लाइक कनेक्शन बना के अपने घर वाले को जिसको भी बुलाना है बुला सकते हैं। ऑफिस विजिट करने का लोग की तो अपॉइंटमेंट का सिस्टम रहता है, वहाँ से तुम लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो जितनी भी पब्लिक है, जितनी भी पब्लिक को करना है, अपनी फैमिली फ्रेंड किसको भी बुलाना है, समझ रहे क्या? क्योंकि अभी ऐसा टाइम आ गया, अभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि हर चीज़ ग्रो हो रही है लाइफ में धीरे धीरे, सब लोग थोड़ा समझ रहे, समझदारी से काम ले रहे, दिमाग चला रहे, समझ रहे क्या? तो सब चीज़ें ग्रो हो रही है, थोड़ा जो यहाँ का भी एनवायरनमेंट है वो लोग भी एजुकेशन अच्छा ले रहे हैं, चीज़ें चल रही है हर जगह पे, कुछ ना कुछ 19-20 रहता है, लेकिन ये पब्लिक एकदम लाइक बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है, फ्री में वीज़ा, फ्री में कुवैत में आने मिल रहा है, काम करने मिल रहा है, सैलरी उठाने मिल रही है, तो और क्या चाहिए भाई? सिर्फ क्या है, अपने अंदर हिम्मत होनी चाहिए, अपने अंदर वैसी ज़बान होनी चाहिए, अपना बिहेवियर वैसा होना चाहिए सामने वाले से। सामने वाले को समझना बहुत बड़ी बात है, सबसे पहले उसको समझना बड़ी बात है, उसको समझना इसके लिए बड़ी बात है क्योंकि फिर अपन लोग वो उसके हिसाब से चलेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो अपने को सैलरी पे कर रहा है ना, तो अपने को थोड़ा वो सब है। और अगर इन केस कुछ भी दिक्कत होती है तुम लोग को एक साल के अंदर, लाइक चेंज कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है, तो उसके लिए भी IBO ओवरसीज यहाँ बैठी है तुम लोग को टेक केयर करने, तुम्हारा जॉब स्विच कराने, सारी चीज़
खदामा के लिए। तो जितनी पब्लिक को अप्लाई करने का, जो भी लेडीज है, जो भी फीमेल है, फटाफट अप्लाई कर सकते हैं, समझ रहे क्या? कुछ भी चार्ज नहीं है, कुछ भी कॉस्ट नहीं है, खाली अपना पासपोर्ट भेजो, अपना जो डॉक्यूमेंट उन लोग रिक्वायर्ड है उन लोग के लिए। एज लिमिट जो है 25 से 35 का, कुछ पोलाइटली रहो, अच्छे से रहो, क्योंकि मोस्टली वो लोग का क्या फीडबैक रहता है कि जितनी भी पब्लिक पैसा दे के आती है ना, वो लोग आराम से मतलब अपना चुपचाप काम करते, चीज़ों को समझते और ग्रो होने की कोशिश करते, फॉल्ट नहीं ढूंढते बैठते उसमें से। और जो लोग फ्री में आते ना, वो लोग बहुत सारी चीज़ों को ऐसा 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 पॉइंट 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 करते हैं। फ्री में तो मैं भी आया हूँ समझ रहे, लेकिन मेरा काम है वो, अपन लोग एज अ ब्लॉगर, एज अ फ्रीडम टू स्पीच अपन लोग बोल सकते हैं, अपने को बोलने का हक है, और अपन लोग वही बोलते हैं जो अपन ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस की है क्या। और मेरे को इन्फॉर्म करना कि भाई हम लोग अप्लाई कर, कुछ कुछ पब्लिक मेरे को कॉल मैसेज इंस्टाग्राम पे बोलती है कि हम लोग इंडिया में थे तभी किए थे, और भाई का रिप्लाई हम लोग की कोई आने के बाद आ रहा है। तो ऐसा भी सीन रहता है, तो उसके लिए थोड़ा क्या है अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे क्या। लेडीज़ लोग जा रहे हैं, सबका काम हो जाए इंशाल्लाह, तो ऑल द बेस्ट, गुड लक जितने भी लोग जा रहे हैं अपनी तरफ से, अपनी साइड से, तो जाके मचा दो, इंशाल्लाह काम होएगा। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि वो लोग अपनी कोई फीमेल अगर उसको किसी को ज़रूरतमंद है या कुछ है, तो वो लोग उसको लाइक कॉन्टैक्ट कर सके, समझ रहे। ऐसा सब सीन है पब्लिक, तो खाला मेरे को भड़क के देख रही पलट पलट के, बोला ये क्या शॉट है। तो यही सब सीन है पब्लिक, जितने भी लोग जा रहे सबको गुड लगे, फ्री वीज़ा है, 110 KD से स्टार्टिंग सैलरी है, 110, 120, 130, खाना पीना रहना सब कुछ है। अभी INR में तुम लोग कन्वर्ट कर लो कितना हो रहा है इंडिया के हिसाब से, बाकी सब कुछ अपने को कराया मिल रहा है। सिर्फ चेंजेस इसमें ये है, ये वाले वीज़े में ऐसा चीज़ होता है कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक को रिलीज़ नहीं मिलता है, वापस इंडिया जाना पड़ता है नया वीज़ा लेके आके, ये सारी चीज़ें होती है, रिलीज़ के लिए प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, किसी किसी को ओनर अच्छा नहीं मिलता है, तो वो भी डिपेंड करता है। लेकिन वो चीज़ के लिए IB ओवरसीज़ टेक केयर कर रही है तुम्हारा, ओनर बेस्ट से बेस्ट देने, और ऐसा नहीं कि दे के छोड़ दिया, आगे कुछ होएगा तो वहाँ से निकाल के दूसरी जगह स्विच करने के लिए भी उन लोग फैसिलिटी दे रहे, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए भाई। ठीक है, जितनी भी लेडीज़ है ये सारी चीज़ फैसिलिटीज़ तुम लोग को मिल रही है, कर रही है, बस अभी ऊपर वाले का नाम लेके अपना अच्छे से अच्छा, अच्छी से अच्छी ज़बान यूज़ करके, अच्छे से अच्छा बिहेवियर रख के सामने वाले के सामने, ताकि समझ रहे क्या, जो रिलेशन है वो अच्छा रहे स्टार्ट टू एंड, समझ रहे, अपना परफॉर्मेंस, अपना हार्ड वर्किंग, ये सब स्टार्ट टू एंड अच्छा रहने के लिए, रखने के लिए तुम लोग को ऐसा स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। तो ये सब सीन है, फैलाते रहो भाई, फैलाते रहो, जितना फैला सकते फैलाते रहो क्या। और मैं कोशिश करूँगा कि भाई मेरे पास अपडेट आती तो तुरंत मैं ऑन द स्पॉट ब्लॉग बना के डालने की कोशिश करूँ, ये मेरी कोशिश जारी रहेगी। तुम्हारा भी प्यार और सपोर्ट ऐसी बना के रखो, बहुत ज़रूरत है अपने को सबके प्यार और सपोर्ट की क्या। तो ये सब सीन था पब्लिक, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करो भाई, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो, कमेंट में तुम लोग का फीडबैक बताओ। मिलते गाइस अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।